किसान साथियों, जैसे कि हमारा जोधपुर का 3 दिन का ये डीडी किसान का प्रोग्राम था, उसी सिलसिले में आज हम बहुत ही मेहनती, कर्मठ और जानकारी रखने वाली हमारी बहन जी विमला जी से मिलते हैं, जो लूनी ग्राम पंचायत से आई हैं। और 2000 कितने से जैविक कर रहे हैं? मैं 2006 से जैविक कर दो रहा हजार छः से जैविक कर रहे हैं और महिलाओं को साथ लेके आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना बागवानी का या जिसके बारे में, जिस तरीके से आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। मैंने शुरुआत तो खेती की 2000 से की थी, 99 या 2000 से। उस समय तक मैं जैविक के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि ना जहर खाऊंगी और ना खाने दूंगी। लेकिन जब तक उस पर रसायन नहीं डालते, जब तक कीड़े अटैक करते तो उसको कैसे करते, इसलिए मैं उसमें भी मैंने एक तरीका अपनाया था कि जितना मुझे कार्यालय से बताया जाता था कृषि विभाग से कि आपको इतना इसमें केमिकल ये रसायन डालना है, जो भी दवाई थी मैं उसको भी आधा करके डालती थी कि अगर जितना डालूंगी वो मैं खुद खाऊंगी पहले, फिर औरों को खिलाऊंगी। तो मेरा एक सबसे पहला यही था कि ना मैं जहर खाऊंगी ना खाने दूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे पता चला कि जैविक खेती होती है, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले मैंने रसायन बंद किया अपने खेत में, और यूरिया और डीएपी तो मैंने कभी अपने पेड़ों में दिया ही नहीं। खेत में जरूर जरूरत के हिसाब से मैं डीएपी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जो बेर का ऑर्चर्ड है उसके अंदर मैंने कभी यूरिया डीएपी नहीं डाला। और फिर जैसे जैसे मुझे जैविक का पता चला, लेकिन इसमें क्या डालना है कैसे करना वो नहीं समझ में आता था, तो मैं मार्केट से नीम ऑयल लाती थी और उसका स्प्रे करती थी कि कम से कम पैसा लगता है, लगने दो, जहर तो नहीं खाएंगे। आप मुख्य रूप से क्या, कौन कौन सी बागवानी में ले रहे हैं? मेरे यहाँ बेर है जिसमें 5-7 किस्में हैं, और वो देसी प्लांट लगा के मैंने खुद ने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की है। तो उससे मैं ये सोचती हूँ कि किसान जो ग्राफ्टेड पौधा लगाता है वो 3 साल बाद में फ्रूटिंग करता है, और अगर देसी पौधा लगाते हैं उसमें उसी साल फ्रूटिंग आ जाती है ग्राफ्टिंग करने से, तो किसान क्यों 3 साल तक उसका इंतजार करे। और दूसरा फिर जैविक करती हूँ, जैविक के अंदर मेरे पास करीब 5 बीघा में, 5-5.5 बीघा में बेर का ऑर्चर्ड लगा हुआ है। फिर खेत की पूरी बाउंड्री में चारों तरफ बूंदे और आंवले के पौधे लगे हुए हैं, और वो भी मेरे जैविक हैं। और उसमें भी कुछ पौधे मैंने राई बूंदी के लगाए, राई बूंदी के ऊपर मैंने गुंदे की बड़ लगाई, जिससे कि वो साल में 2 बार प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डबल इनकम, तो मैं उस राई बूंदी के पौधे से डबल इनकम का प्रोडक्ट जो है वो लेती हूँ, डबल प्रोडक्ट लेती हूँ और अच्छा मुनाफा कमाती हूँ। देखिए किसान साथियों, सबसे एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी से इनकी बातचीत हुई थी। किस विषय में बातचीत हुई थी उसकी? ये जो अपनी डबल इनकम है किसान की, उसी पे बात हुई थी। उसी के अंदर मेरा गुंडे का जो है उसके ऊपर मेरे से पहले यहाँ पे साइंटिस्ट से बात हुई थी, उन्होंने आके देखा था और उसी के ऊपर बात हुई थी कि कैसे करते हैं। तो मैंने डबल ये करके फिर उसी पेड़ पे, राई गुंडी के पौधे पे, जो काजरी के अंदर कुमट की गोंद पे लगाने का इंजेक्शन मिलता है, वो इंजेक्शन लगाया और उस पेड़ से गोंद लिया। उस गोंद को मैंने काजरी की लैब में टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट ये निकला कि हाँ, ये गोंद खाने लायक है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक पौधा 3 तरह की इनकम देता है, 3 बार प्रोडक्ट देता है, तो क्यों ना ऐसे पौधे लगाए जाए और किसान अपनी इनकम को बढ़ाए। दूसरा, जो गुंदे का प्लांट होता है वो ऊपर जाता है, उसके ऊपर चढ़ के गुंदा तोड़ना पड़ता है, उसके पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन राई गुंदी का जो प्लांट है वो लचीला होता है, उसको आप जमीन पे खड़े खड़े टहनी को पकड़ के मोड़ सकते हैं, और नीचे जमीन पे खड़े रह के आप प्लांट पत्ते तोड़ सकते हैं, और जब उसके ऊपर गुंदा लगता है तो वो प्लांट जैसे बेर का प्लांट नीचे आता है, वैसे वैसे उसकी भी टहनियां नीचे आ जाती है और आप जमीन पे खड़े खड़े आराम से उसको पिक करके तोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो जो वर्कर लगता है, मजदूरी लगती है, वो कम हो जाती है कि ऊपर चढ़ना रिस्क रहना रहती है, और ऊपर से फ्रूट तोड़ते हैं नीचे गिरते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं। और इसमें आप खड़े खड़े आराम से तोड़ के पिक करके आप बैग में डालो, चाहे बाल्टी में भरो, किसी में भी डाल के आप बेचने के लिए लेके जा सकते हैं। आप इसमें जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर, जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया, उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? इसके बारे में मुझे करीब
मैं एक कार्यशाला थी मंडोर के अंदर अनुसंधान केंद्र में, मुझे वहां बुलाया गया था, मैं वहां गई, वहां पर जब डीप कंपोजर के बारे में बताया था तो फिर मैंने कार्यशाला खत्म होने के बाद में जिन्होंने बताया उनसे मैंने पूरी जानकारी ली और वो अपने साथ जो लेके आए थे उसमें से कुछ मुझे दिया था और उसको फिर मैंने एक ड्रम के अंदर डाल के गुड़ डाल के वो डाल दिया गया और उसको मैं कंटिन्यू धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करती गई। उससे मुझे ये प्रॉफिट हुआ कि एक तो पौधे का जो रंगत थी वो बदल गई और प्रोडक्ट में भी काफ़ी अंतर आया। दूसरा कि उसके ऊपर उसको मैं जो कुछ देती थी उसके बाद में मैंने उसको सिर्फ खाद जो कैचवा खाद है वो देती हूँ और वेस्ट डिकम्पोजिशन टाइम टू टाइम वो दे देती हूँ और जरूरत पड़ती है तो जड़ों में भी दे देती हूँ स्प्रे पे उसको उस हिसाब से कर देती हूँ तो मुझे उसका काफी फायदा मिला है। और मैं अपने किसान भाइयों से किसान बहनों से यही कहना चाहूंगी कि खेती के अंदर अगर हम जैविक खेती करते हैं और डीकम्पोजर का यूज नहीं करते हैं तो आप अभी भी बहुत पीछे हो। एक डीकम्पोजर ऐसी चीज है जो खेती के अंदर अपनी जैविक खेती को बहुत एक अहम योगदान अहम योगदान है और हमारे जो फायदा जो होगा उसके लिए बहुत बड़ा योगदान इस डीकम्पोजर का आएगा। वो अगर हम यूज करेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, इससे मुनाफा भी होगा और हमारी खेती भी अच्छी होगी। आपने गोबर की खाद को वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा तैयार किया? हाँ, ऐसे भी तैयार किया। उससे भी वो खाद कैसी बनी, किस प्रकार की बनी? वो खाद मैंने थोड़ी सी लेके मैंने एक प्रयोग के तौर पे किया था लेकिन उसको मैंने जगह जगह पे छेद करके वो उसमें वो डाल दिया था। उसको टाइमली ढकने के बाद में उसको खोलना है, हिलाना करना, वैसे करके जब मैंने उस खाद को मेरी सब्जियों में डाला तो शानदार उसका रिजल्ट। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो गोंद जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी आप नर्सरी कहाँ से लेके आए? उसकी नर्सरी मैं नहीं लेके आई, मैंने तो उसका एक रायगुंडी का पौधा था जी। वो मेरे पड़ोसी वाले खेत में था तो उसके यहाँ से जब ये चिड़िया खाती है अपने आप वो पौधा निकला। हाँ, तो अब उसके बाद में मेरे से उस पौधे के बीज कई लोग लेके गए जी। जैसे यहाँ मंडोर में अनुसंधान केंद्र है वो भी मेरे फार्म से काफी बीज लेके गए, उन्होंने वहाँ पौधे तैयार किए, उस पर ग्राफ्टिंग की और वो भी उस पर काम कर रहे हैं। अगर उसके बीज चाहिए होते हैं तो मई अप्रैल मई में मेरे खेत में मिल जाते हैं, लेके जा सकते हैं जी। और उसके बाद में उसकी ग्राफ्टिंग जैसे बेर पे करते हैं वैसी ग्राफ्टिंग उस पर होती है। तो किसान साथियों देखिए कितना मेहनती हमारी बहन जी ने बताया और कितना अच्छी जानकारी रखती हैं। 2006 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं और वेस्ट डीकम्पोजर के बारे में इनको जानकारी प्राप्त हुई और वेस्ट डीकम्पोजर ये लेके आए, उन्होंने अपने बाग में या बागवानी जो भी इन्होंने लगा रखा है उसमें वेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग किया और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट इनको मिला और माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में भी इन्होंने किसान की आमदनी 2022 तक कैसे डबल हो उसके बारे में विचार किया। तो मैं बहन जी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो महिलाएं हमारे आगे नहीं आ रही फार्मिंग को लेके जो कर रही हैं जिसके बारे में आपने चर्चा मेरे से पहले भी की थी उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी बहनों, क्योंकि बहनों को भी शायद पता नहीं होगा, वो घर की घर में रहती है या खेत में काम करके अपने आप को संतुष्ट समझती है लेकिन नहीं, आज का समय ऐसा नहीं है। आज जब दुनिया कहां से कहां जा रही है तो हम बहनें क्यों खेत और घर के अंदर ही सिमट के रहें जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी सोच भी यही है कि मैं अपनी बहनों को आगे कैसे लेके आऊं जब हम खेत में इतना काम करते हैं। आज सरकारी आंकड़ा देखे सरकार की तरफ से तो 100 में से 85 महिलाएं खेती में काम करती है लेकिन खेती के नाम पे आगे कोई महिलाएं नहीं आती है, जबकि खेत के अंदर काम हम महिलाएं करती है पुरुषों की बजाय। तो मेरा ये कहना है बहनों की खेत में काम करो, घर में भी करो लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना IQ बढ़ाने के लिए कि कैसे हम अच्छा कर सकते हैं वो आप प्रशिक्षण केंद्रों में जाओगे जहाँ किसान आते हैं, जहाँ आपको बुलाया जाता है। हम महिलाओं के लिए अलग से मीटिंग रखी जाती है विभाग वगैरह में, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप इन चीज़ों को क्वेश्चन आप उन सवाल पूछो कि खेती में काम अपन करते हैं, जो भाई लोग जाते हैं मीटिंगों में वो काम नहीं करते हैं आके। तो मेरा ये कहना है कि आप आगे बढ़ो, घर से एक कदम आप बढ़ाओ, सरकार आपकी तरफ चार कदम बढ़ाएगी जी जी। और अपनी खेती जो है वो मुनाफे का सौदा होगी और हम इसके अंदर भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बहनें एकजुट होकर इतनी अच्छी खेती कर सकती है, आप आगे बढ़ सकती हो, जानकारी ले सकती हो, तो जो हमारी पैदावार आज है उससे हम 1.5 गुना 2 गुना और बढ़ा के ले सकते हैं जी जी। अंत में मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कोई भी महिला साथी या जो आपसे आपका वीडियो देखे
तो अगर वैसे कंपोजर का घोल ले जाना चाहे तो वो आसानी से हाँ मेरे पास मिल सकता है और आसानी से मिल सकता है। बहनों के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। और मैं एक और चीज कहूंगी कि अगर ग्राफ्टिंग करना भी सीखना चाहती है बहनें, सीजन जब होती है ग्राफ्टिंग की मई जून में, मैं उस समय वो भी बताऊंगी, उनको सिखाऊंगी, आएगी वो, अगर यहाँ आएगी मेरे पास तो मैं यहाँ सिखाऊंगी। और अगर मेरा वहाँ आना हुआ बहनों के पास, अगर मेरा पॉसिबल हो जाएगा मैं वहाँ आके भी सिखा दूंगी। आप अपने मोबाइल नंबर थोड़ा सा बता, मेरा मोबाइल नंबर है 9460993202। एक बार हिंदी में और बता दो। 9460633202। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, और आज इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने हमें दी। तो कोई भी महिला किसान साथी जो भी इनसे जानकारी लेना चाहे या जो ये ड्राफ्टिंग के बारे में बात करने कर रही है, ये उन उसकी अगर ट्रेनिंग लेना चाहें या उसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप इनके फार्म पर जाइए। और किसी बहन को वेस्टी कंपोजर की घोल की अगर आवश्यकता हो तो इनके फार्म पर जाकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, नमस्कार, राम राम, थैंक यू।